राष्ट्रपति ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों जैसी समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने आज सांसदों का आह्वान किया कि वे सभी G20 से जुड़े कार्यक्रमों में साझी भागीदारी करें। ये कार्यक्रम देश का है, सरकार का नहीं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम और निवारण विषय पर रायपुर में हुई कार्यशाला। और कोरबा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 3 छात्राएं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए चयनित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऊर्जा संरक्षण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और वैश्विक तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विश्व के औसत कार्बन उत्सर्जन से बहुत कम है, जो पर्यावरण संरक्षण में भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने का आह्वान किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब वर्ष 2030 तक के लिए तय किए गए नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस को अवश्य पूरा करेंगे और पर्यावरण के हित में भारत द्वारा श्रेष्ठ योगदान सुनिश्चित करेंगे। देवियों और स्वजनों, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े सभी लोग जानते हैं कि भारत ने COP26 में विश्व समुदाय से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाने का अनुरोध करते हुए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अर्थात लाइफ का संदेश दिया था। भारतीय संस्कृति और परंपरा में लोगों की जीवन शैली हमेशा लाइफ के उस संदेश के अनुरूप ही हो रही है। प्रकृति का सम्मान करना, प्राकृतिक सामग्री का अपव्यय ना करना और प्राकृतिक संपदों को बढ़ाने के उपाय करना ऐसी जीवन शैली का अभिन्न अंग होता है। भारत की अग्रणी भागीदारी के साथ पूरा विश्व समुदाय ऐसे जीवन शैली अपनाने के लिए आगे बढ़े, यही भारत का विश्वव्यापी प्रयास है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार के विजेताओं को सम्मानित किया। समारोह में ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि भारत कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य समय से पहले हासिल करने के रास्ते पर है और ये लगभग 33% उत्सर्जन पहले ही कम कर चुका है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करने के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। ये विधेयक नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी सांसदों का आह्वान किया कि सभी को G20 से जुड़े कार्यक्रमों में भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम देश का है, सरकार का नहीं। आज सवेरे नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे G20 से जुड़ी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कहीं भी G20 की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, वहां स्वच्छता अभियान जैसी पहल के जरिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। इस अवसर पर गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। श्री मोदी ने जीत का श्रेय पार्टी के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात विधानसभा का चुनाव एक मिसाल है कि किस प्रकार पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत से चुनाव जीता जा सकता है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की आर्थिक स्थिति पर विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि भारत तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है और अन्य देशों की तुलना में देश में मुद्रास्फीति को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम और निवारण विषय पर रायपुर स्थित कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक थीं।
कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि सहायक पुलिस महानिरीक्षक पूजा अग्रवाल थीं। इस मौके पर प्रधान महालेखाकार लेखा और हकदारी पूर्ण चंद मांझी भी उपस्थित थे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री मांझी ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए महिलाएं विशाखा गाइडलाइन और इससे संबंधित अधिनियमों के बारे में जानकारी रखें। वहीं कार्यशाला में श्रीमती नायक ने महिला कर्मियों के साथ चर्चा की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। सहायक पुलिस महानिरीक्षक सुश्री अग्रवाल ने कहा कि कोई भी महिला आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप अभिव्यक्ति की मदद ले सकती हैं। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। इस अवसर पर राज्य अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा कवर्धा में स्कूली बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। क्रीड़ा विभाग के सहायक अभियंता श्री अनिल बिंजवार ने बताया कि स्कूली बच्चों के लिए भाषण, चित्रकला, वॉल पेंटिंग और स्लोगन राइटिंग की स्पर्धाएं आयोजित की गईं ताकि बच्चे ऊर्जा का महत्व समझें और इसे बचाएं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है 14 दिसंबर और आज के दिन पूरे भारतवर्ष में ऊर्जा संरक्षण के विषय पर कार्यशाला का आयोजन और लोगों को जागरूक करने के लिए बिजली बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे वॉल पेंटिंग, रैली और स्लोगन, इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि हमारे देश के साथ साथ हमारे राज्य की बिजली में की बचत हो, है ना, इसका लगातार प्रयास किया जा रहा है क्रीड़ा विभाग द्वारा। वहीं बच्चों ने अपनी समझ का परिचय देते हुए बड़ों से भी अपील की कि वे ऊर्जा बचाने में मदद करें, नहीं तो भविष्य में तकलीफ होगी। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रजा खान है। मैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल कवर्धा में पढ़ता हूँ। ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी बेफालतू में जो बिजली वेस्ट होता है उन सबको हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमें उसका जो है मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मेरा नाम विदुला श्रीवास्तव है। मैं क्लास 8 की छात्र हूँ और मैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल कवर्धा में पढ़ती हूँ। तो जैसे कि आज सेव एनर्जी डे है, तो अगर अभी हम लोग एनर्जी वेस्ट करेंगे, मतलब ओवर यूज़ करेंगे या फिर बेजबरन उसका ओवर उपयोग करेंगे, तो उससे आने वाले फ्यूचर में हम लोग उसका प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। तो उसके लिए जब भी आप देखें कि बेजबरन कहीं किसी भी जगह में लाइट्स फैन ऑन है, तो उसको बंद करना बेटर रहेगा। गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरबा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं के प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला है। इस उपलब्धि को देखते हुए इस स्कूल की 3 छात्राओं का चयन राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए हुआ है। ये छात्राएं अब आगामी जनवरी महीने में अहमदाबाद और नागपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में शामिल होंगी। कोरबा के जिला कलेक्टर संजीव झा ने छात्राओं की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इनका प्रोजेक्ट हर्बल धूपबत्ती सुगंधित होने के साथ ही मच्छरों की परेशानी से भी निजात दिलाने वाला है। जो छोटे बच्चियां हैं, इनके बीच जो साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट करना है, इसके लिए जो बाल विज्ञान कांग्रेस का अपना आयोजन होता है, उसमें हर्बल धूपबत्ती इन्होंने प्रमोट किया है और इनका जो मॉडल है वो काफ़ी सराहा गया है, पूरे राज्य में प्रथम आया है और ये जो अगले जो चरण है उसमें और हायर लेवल के कॉम्पिटिशन में जाएगा। इससे न केवल उस विद्यालय में जो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, केवल उस विद्यालय में, बल्कि इससे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे विद्यालयों में भी, उनको भी साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति और एक्सपेरिमेंट्स के प्रति रुचि और उत्साह रहेगा। यही इसका उद्देश्य भी है और इनको ओरिजिनल थिंकिंग करने के लिए पर्पस ये है कि जो मॉडल्स बनाए जाएं वो मॉडल ऐसे हों जो कि लोगों को और प्रमोट करें, उनको साइंस के लर्निंग के प्रति इंकरेज करें। तो इसमें ये बच्चों का जो काम है इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगा और ये सराहनीय है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रतियोगिता के लिए चयनित छात्रा किरण कंवर और नंदिता कंवर ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। नीम के पत्ते जो झड़ जाते हैं उससे हमने मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती बनाई, जिसमें हमने गेंदे के फूल व गुलाब के फूल का इस्तेमाल किया खुशबू के लिए व पूजा में उपयोग लाए जाने वाले चंदन के
लकड़ी, उसको हमने अच्छी तरह से घिस कर उसमें डाला जो खुशबू के लिए बहुत ही सुंदर था, और हमने कपूर डाला जो जलने के लिए बहुत ही सुंदर था, और हमने स्टार्च पाउडर डाला जो उसको अच्छे से रख सकता था, जो जल्दी से नहीं टूट सकता है, और हमने इसमें गोबर भी डाला जिसमें मच्छर उसमें जो अच्छी तरह धुआं निकले, और हमने इसका उपयोग पूजा में भी कर सकते हैं और मच्छर भगाने में भी कर सकते हैं। हमने जब आइडिया सोचा तो गणपति जी की पूजा का आगमन था और हमने अपने आवासीय विद्यालय में गणपति जी की मूर्ति स्थापित कर पूजा करने का कार्य शुरू किया जा रहा था। तभी हमने देखा कि दीपक से निकलने वाली धुआं युक्त कार्बन जो है कि पूजा के स्थान को काला कर रहा था। तभी हमने उससे कुछ नया बनाने का सोचा और हमने पेंट बनाया जिसमें हमने चार पेंट बनाए हैं जिसमें काला कार्बन से और काला में सफेद मिला दिया तो ग्रे बन गया हमारा, और काला में प्लस पीला मिलाए तो ग्रे नहीं हरा, और काला में लाल मिलाए तो मरून। जीवन में विज्ञान विषय पर आधारित राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रतियोगिता के लिए चुनी गई ये छात्राएं आगे भी विज्ञान के माध्यम से जीवन को सरल बनाने के लिए नए प्रयोग करने की सोच रखती हैं। सक्ती जिले के मालखरौदा ब्लॉक के बंदोरा गांव के ग्रामीण रोजगार जुटाने के मामले में दूसरों के लिए बड़ी मिसाल कायम कर रहे हैं। ग्रामीण घर बैठे पैरा से रस्सी बनाकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। खास बात यह है कि गांव में ही रोजगार मिलने से लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता है और ये सिलसिला दशकों से चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पैरा से रस्सी बनाने का काम उनके पूर्वजों के जमाने से चल रहा है। गाँव के लोग से पैरा से रस्सी खरीदने कारोबारी खुद ही पहुँच जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बारिश का मौसम खत्म होते ही फसल तैयार होने से पहले वे पैरा से रस्सी बनाने का काम शुरू कर देते हैं। हमन पैरा डोरी ला लगभग 20 से 25 साल हो गए बनात आत हन, और पहली एकर रेट रही से 30 से 35 रुपए सैकड़ा, और अब हमन बेचथन 60 से 70 रुपया, बढ़िया सीजन चलते 90 से 100 तक भी बेच देथन। एक घर में लगभग 400 से 500 डेली हमन डोरी बनाए के काम करथन, अला हमर छत्तीसगढ़ के हर जिला में हर गांव में बेचे के भी काम करथन। एला हमन लगभग 20 से 25 साल हो गए, पहले एला हमर पूर्वज मन बनात रही से, लेकिन लगीस के हमन लाए माँ अच्छा कमाई है, हमन के घर बार अच्छा से चल सकत है, तो एला हमन भी जीविका ला पाए हन, और वो समय 35 से 40 रुपये सैकड़ा बेचत रहन, लेकिन महंगाई के दौर में आज हमन एला 60 से 70 रुपए, और बढ़िया सीजन आते तो 75 से 80 रुपए तक में हमन बेचे के काम करथन, और एमा हमन के बहुत ही अच्छा जीविका के साधन है। स्थानीय ग्रामीणों की बनाई हुई रस्सियों की मांग पूरे छत्तीसगढ़ में है। और अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिले में स्कूली छात्राओं को उनकी सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में जिले के बीजा गांव स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा अभिव्यक्ति ऐप तैयार किया गया है। इसके जरिए आपात स्थिति में यूजर की लोकेशन के हिसाब से SOS बटन दबाते ही तत्काल पुलिस सहायता मिलेगी। जांजगीर में भी महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सखी वन स्टॉप सेंटर के द्वारा कार्यशाला में महिला आयोग के सदस्य शशिकांता राठौर और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गीतेश कौशिक सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर महिलाओं को हिंसा के खिलाफ जागरूक किया गया और कानून की जानकारी भी दी गई। राजनांदगांव में वर्ष 2013 बैच के IAS अधिकारी शेंकी बग्गा ने नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने पार्टी के उपाध्यक्ष डॉ. अमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के समक्ष भाजपा में प्रवेश किया। राजनांदगांव निवासी श्री बग्गा ने बताया कि वे देश के लिए अपनी सेवाएं देना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने भाजपा को चुना है। वन विभाग द्वारा कोंडागांव के बड़े बेंद्री में वन मितान जागृति शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के जीवन चक्र, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फूल पत्ती और जीव जंतुओं के बारे में विशेषज्ञों ने जानकारी दी। कार्यक्रम में जन जागरूकता पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 16 दिसंबर को एक कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।
जांजगीर के हाईस्कूल मैदान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय दिव्यांगजन व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिव्यांगजन व्हीलचेयर क्रिकेट स्पर्धा का फाइनल मैच रायपुर और जांजगीर के मध्य हुआ, जिसमें रायपुर की टीम विजेता रही। स्पर्धा में जांजगीर, रायपुर, बालोद और कोरबा जिले के 50 खिलाड़ी शामिल हुए। स्पर्धा में जांजगीर दूसरे, कोरबा तीसरे और बालोद चौथे स्थान पर रहे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यह समाप्त हुआ। नमस्कार।